जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी शाह ने ऐसा दांव चला कि ना महबूबा, ना उमर और ना ही कांग्रेस कुछ कर पाए। हालांकि आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाने के कयास अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से ही लगने शुरू हो गए थे। सरकार ने ऐसी चाल चली कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए चंद सेकंड्स में ही असरहीन हो गया। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश किया। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया जाएगा, इसके साथ लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर ये सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। अमित शाह के बयान के दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। कश्मीर के हालात को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, पीडीपी के सांसद ने तो अपने कपड़े तक फाड़ डाले। पहले भी पुलिस के पास किए और आज भी ये जो तानाशाही चला रहे हैं, हमने इसी के खिलाफ जज किया और हम ये होने नहीं देंगे। हालांकि मोदी शाह के इस दांव के मुरीद धुर विरोधी भी हो गए। संसद में आप, बीजेडी, बीएसपी, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन भी किया। मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत राजनीतिक पार्टियों से लेकर बॉलीवुड तक होने लगा। मोदी शाह के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमेंट आने लगे। देश भर से लोगों के जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आने लगी। लोग मिठाइयां बांटते, ढोल नगाड़ों पर नाच गाना करते, तिरंगा और बीजेपी का झंडा लहराते नजर आए। आइए अब आपको बताते हैं कि जिस आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर देश में जश्न का माहौल है, आखिर उसके हटने के बाद होगा क्या क्या, फैसले से क्या क्या बदला। पहले सरकार का कार्यकाल 6 साल का था, अब सरकार का कार्यकाल 5 साल का होगा। पहले जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता थी, अब जम्मू कश्मीर में भी भारतीय दंड संहिता ही लागू होगी। पहले बाहरी को जमीन खरीदने पर पाबंदी थी, अब कोई भी जमीन खरीद सकता है। पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा, अब लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा। पहले अलग झंडा और अलग संविधान, अब भारतीय झंडा और भारतीय संविधान। पहले आरटीआई कानून पर पाबंदी, अब लागू होगा आरटीआई कानून। आर्टिकल 370 हटाने के ऐलान के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल आज ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे। मोदी शाह की जोड़ी हमेशा उम्मीदों से परे बड़े और कड़े फैसले के लिए जानी जाती है, चाहे वो नोटबंदी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, जिसकी भनक किसी को कानो कान नहीं लगी। अपने दूसरे कार्यकाल के 2 महीने के अंदर ही ऐसे फैसलों से मोदी सरकार ने ये जता दिया है कि अगले 5 साल में बहुत कुछ होना बाकी है। राहुल के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट, R9 TV।